shit. पिछले 10 दिनों में मेरे 3 vlog के प्लान थे, उनमें से एक कैंसिल हो गया और 2 पोस्टपोन हो गए. क्या कर सकते. कैसा गया शांकुलिया कमिंग एट यू फ्रॉम माय रूम. और आज के ब्लॉग में सिर्फ बातें होंगी, सो सॉरी फॉर दैट. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे प्लान्स कैंसिल या पोस्टपोन हो गए हैं और उनके वजह से ब्लॉग्स आए नहीं हैं. सो इस बात को लेके मैं काफ़ी अपसेट था पिछले 2 हफ्तों से, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में आई गेस सिर्फ एक ही ब्लॉग आया है और उससे पहले 3 दिन में मैंने 3 vlog शूट किए थे. सो आई गेस सबके साथ ऐसा होता है. सो अभी जो मेरे प्लान्स थे उनके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आगे उन पर वीडियो बने, तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मैं रखना चाहता हूँ अभी भी. तो मैं यही सोच रहा था कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया है, सो आई थिंक आई शुड मेक समथिंग. तो चलो कैमरा उठा लेते हैं एंड ज्ञान बांटते हैं, क्योंकि उसी चीज़ में मैं बहुत माहिर हूँ. तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि वीडियो इस बारे में है कि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती, तो ऐसे सिचुएशंस में द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कीप गोइंग. छोटे छोटे स्टेप्स लो, फोकस ऑन डूइंग द स्मॉल थिंग्स राइट. आई एम श्योर इट विल कैच मोमेंटम एंड यू विल बी बैक ऑन ट्रैक इन नो टाइम. तो पिछले महीने मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट मेंटल हेल्थ, और उसमें मैंने एक पॉइंट ये बताया था कि ऑलवेज डू समथिंग दैट टेक्स यू फॉरवर्ड. सो फॉर मी दैट थिंग इज मेकिंग दिस वीडियो, दिस एग्जैक्ट वीडियो. इट माइट बी नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, मैं कहीं घूम नहीं रहा हूँ, बस अपने रूम में बैठा हूँ, कैमरा के साथ बातें कर रहा हूँ. बट यू नो, इवन इफ दिस वीडियो गेट्स लाइक 10 views, आई विल स्टिल बी 10 views मोर देन आई वुड बी इफ आई हैडंट अपलोडेड दिस वीडियो. So yeah, take small steps instead of doing nothing, because one step taken towards the goal is still better than zero. In the end, what matters is not how many steps you've taken, but that you've reached the goal. Things will not always go according to you, and I think that is the most beautiful thing about a challenge, because when you overcome that challenge, the victory is just even more beautiful. तो फिलहाल मेरे साथ भी यही हो रहा है, मुझे चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे व्यूज. तो आई कांट स्टॉप, आई वोंट स्टॉप, वीडियोज आते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई टॉपिक आएगा दिमाग में, जो भी आया उसके ऊपर वीडियो बनेगा. फन फैक्ट, वो जो मेंटल हेल्थ वाला वीडियो मैंने बनाया था, बाय मेकिंग दैट वीडियो आई हैड विश्ड कि उस वीडियो के थ्रू मैं किसी को हेल्प करूँ. इवन इफ a single person through that video, so I thought ki the video will be successful. But guess what, that video was definitely loved by many people, it was also shared by many people, which was a really great thing, and thank you so much for that. But us video ne I think sabse zyada motivate mujhe hi kiya hai. So whenever I feel down, I watch that video, I take advice from myself, because at the end of the day you are your biggest supporter. अभी कुछ अपडेट्स दे देता हूँ मैं आपको. अपडेट नंबर 1 ये है कि स्टिकर्स फाइनली आ गए हैं. नाइस. और स्टिकर्स के साथ अभी ये सीन है कि टू गेट इनफ स्टिकर्स इज अ प्रॉब्लम. तो अभी क्या करूँगा मैं स्टिकर्स का, तो जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और तभी मेरे पास स्टिकर है तो मैं उसको लगाऊंगा, अगर नहीं है तो उस वीडियो में स्टिकर नहीं लगेगा. I am abandoning the sticker for every video thing. तो जब भी स्टिकर्स होंगे तभी लगेंगे, और जब भी नहीं होंगे तो नहीं लगेंगे. तो सिंस आज का वीडियो छोटा सा है, तो स्टिकर भी छोटा सा ही रहेगा. सो ये है छोटा सा AGV का स्टिकर, मेरे दीवार पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे AGV का ऑलरेडी एक स्टिकर लगा हुआ है. AGV का स्टिकर ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन सिंस ये छोटा सा वीडियो है, ये छोटा AGV उसके बाजू में जाएगा, लाइक फादर सन डुओ. एंड
एंड अभी अपडेट नंबर टू की बात करते हैं. अपडेट नंबर टू इज क्रेजी. इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी. अपडेट नंबर टू ये है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन आर न्यू कार द टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड दैट वीडियो इज जस्ट अ फ्यू व्यूज अवे फ्रॉम 1,000 व्यूज. कैन यू बिलीव इट? बिकॉज आई रियली कांट. मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा वो वीडियो. आई मीन आई हैव ओनली 400 सब्सक्राइबर्स. 1,000 व्यूज, कम ऑन. सो जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है, बार बार देखा है, जिन्होंने शेयर किया है उस वीडियो को, थैंक यू सो मच. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. और मतलब आई जस्ट कांट बिलीव इट. अपडेट नंबर थ्री ये है कि जो अगला वीडियो आएगा दैट माइट बी डिलेड बाय 1 or 2 days. क्योंकि जो हमारा प्लान है दैट इज गोना हैपन ऑन फ्राइडे आई थिंक या सैटरडे मैक्स टू मैक्स. सो इंस्टेड ऑफ फ्राइडे द वीडियो विल कम ऑन आइदर सैटरडे या संडे पक्का से. एंड आई थिंक इस वीडियो में इतनी ही चीज़ें मेरे को बात करने के लिए. सो आई विल बी टेकिंग योर लीव. इफ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, पुट अ कमेंट डाउन बिलो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब. It's time for me to say bye. The chala ata minik to bhedya padla karats. Goodbye. Alvida. Hasta luego.